दर्शकों, मैं दिव्या खोबरे और आप देख रहे हैं जेटीवी भारत। आइए रुक करते आज के मुख्य समाचारों की ओर। दरअसल पूरा मामला इंदौर के प्रदेशीपुरा थाना क्षेत्र का है, जहां सुभाष नगर स्थित एक ज्वेलर्स की दुकान में अज्ञात चोरों सोने की अंगूठी खरीदने के बहाने दुकान में घुसकर दुकान में बैठी महिला से पहले तो उसने सोने की अंगूठी दिखाने के लिए कहा। जब महिला द्वारा एक सोने की अंगूठी से भरा बॉक्स निकालकर बदमाश को बता रही थी, उसी दौरान बदमाश ने सोने की 10 अंगूठी से भरा बॉक्स हाथ में ले लिया और मौका पाकर बदमाश सोने की अंगूठी से भरा बॉक्स लेकर वहां से भाग गए। वहीं पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई थी। वहीं पुलिस ने 3 आरोपी गौरव चौहान, सत्यम चौहान सहित एक नाबालिग को गिरफ्तार कर लिया। सोने की अंगूठी से भरा बॉक्स और एक 2-व्हीलर वाहन बरामद कर लिया है। इसी के साथ चोरी के सोने के आभूषण खरीदने वाले सुनार अंशुल सोनी को भी गिरफ्तार कर लिया। वहीं पकड़े गए आरोपियों से पुलिस द्वारा अन्य चोरी के बारे में पूछताछ कर रही है। थाना प्रदेशीपुरा में कुछ दिन पहले जो है एक ज्वेलरी की शॉप पे एक लड़का आया था। उसने ज्वेलरी देखने के बहाने जो है उसने बॉक्स निकलवा के फिर वो जो है तुरंत जो है जैसे इसका मालिक का ध्यान हटा और वो तुरंत जो है बॉक्स लेकर फरार हो गया था। उसमें जो है 3 लोगों को पकड़ा गया है। उसमें से मुख्य आरोपी जो है इसमें गौरव सिंह और सत्यम सिंह हैं। ये जो है यहीं के रहने वाले हैं, इंदौर के रहने वाले हैं और एक इसमें नाबालिग आरोपी भी है। तो इनको पकड़ा गया है, इनसे सभी पूरा माल बरामद कर लिया गया है और इनसे अन्य घटनाओं के संबंध में पूछताछ की जा रही है। पहले भी कर चुके और पूछताछ जारी है और हमें लगता है कि पहले भी घटना करी होंगी।